अगर आपको नीरज पांडे सर की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म्स पसंद है, जैसे कि बेबी, अ वेनेसडे, स्पेशल 26 जैसी फिल्में अगर आपको पसंद है, तो ये वेब सीरीज डेफिनेटली आपके लिए है। अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद नहीं भी है, फिर भी मैं कहूंगा ये सीरीज जरूर जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अलग वेब सीरीज है। दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी के सब बहुत बढ़िया और बहुत ही बिंदास होंगे। स्पेशल ऑप्स एक नई वेब सीरीज है जो कि मार्च 2020 में रिलीज हुई है और ये हॉटस्टार में अभी अवेलेबल है। इस वेब सीरीज को नीरज पांडे सर ने डायरेक्ट कराया और हम उनके जानते ही हैं कि उनकी फिल्म्स अगर हमने देखी होगी तो हमें पता है कि वो किस लेवल का काम करते हैं, और वही चीज हमको यहाँ पे वेब सीरीज में देखने को मिली है। स्पेशल ऑप्स की जो स्टोरी है वो एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, जो कि 2001 में जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था, ये स्टोरी उसी टॉपिक के ऊपर टोटली बेस्ड है। बहुत से लोग को लग रहा है कि ये जो पूरी कहानी और पूरे कैरेक्टर्स जो इस वेब सीरीज में दिखाए गए हैं वो ओरिजिनल है, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीरज पांडे सर ने अभी एक रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि ये स्टोरी उन्होंने खुद से लिखी है। हाँ, इंसिडेंट जो है वो रियल है और जो एक कैरेक्टर्स उन्होंने उठाया वो एक रियल लाइफ एजेंट्स को फॉलो करते हुए उन्होंने कैरेक्टर्स को उठाया, बट ऐसी कोई कहानी सच में रियल नहीं है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब 2001 में पार्लियामेंट में अटैक होता है तो वहां पर ऐसा माना जाता है कि टोटल 5 टेररिस्ट आए होते हैं और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। बट जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिनका नाम होता है हिम्मत सिंह, वो जब इस केस को इन्वेस्टिगेट करते तो ये पता लगाते हैं कि इसमें टोटल 5 नहीं, यहाँ पे टोटल 6 थे। तो इसका मतलब एक टेररिस्ट अभी मिसिंग है और वो उसी की रिसर्च करना शुरू करते हैं, और इस केस को सॉल्व करते करते उनको टोटल 19 साल लग जाते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं 2001 में अटैक हुआ था और उसका जब रिजल्ट जो सामने आता है वो 2019 में उनको मिलता है, तो टोटल 19 साल उनको इस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। इसी केस को सॉल्व करने के लिए वो अपनी एक स्पेशल टास्क टीम बनाते हैं, क्योंकि उनपे कोई ट्रस्ट नहीं करता तो इस केस को वो पर्सनली खुद ही हैंडल करते थे और खुद ही वो उन लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में रहते थे। अब मैं आपको इस वेब सीरीज की सारी कहानी तो यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि जब आप इस वेब सीरीज को देखेंगे, अगर मैं आपको सारी बातें बता दूंगा यहाँ पे तो जो सस्पेंस थ्रिल है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद से देखें, तब आपको अलग ही मजा आएगा इस वेब सीरीज को देखने में। हर एपिसोड के बाद जो है सस्पेंस और थ्रिल बढ़ता जाता है। मैं ये कहूंगा कि शुरुआत के जो 3 एपिसोड है वो थोड़े नॉर्मल चल रहे होते हैं, बट जहां से 4th एपिसोड शुरू होता है तो एकदम से स्टोरी एक अलग ही लेवल पे चली जाती है और आपका इंटरेस्ट है वो और ज्यादा स्टोरी में आ जाता है। ये उन वेब सीरीजों में से एक वेब सीरीज है जिन्हें कि आप जब पहला एपिसोड देखोगे ना, तो आप जब तक उसका लास्ट एपिसोड नहीं देख लेते तब तक आपकी एक्साइटमेंट कम नहीं होने वाली, और जब एंड में आपके सामने ट्विस्ट आता है तो आप ये जरूर सोचोगे कि ये पॉसिबिलिटी मैं क्यों नहीं सोच पाया अपने दिमाग में। डायरेक्शन से लेकर स्टोरी से लेकर एक्शन से लेकर हर एक चीज टॉप लेवल की है। बात यहाँ पे एक्टिंग को लेकर करी जाए तो सभी ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग करी है, खास करके हिम्मत सिंह का। हिम्मत सिंह ने जो एक्टिंग करी है वो बहुत ही लाजवाब है। मीन्स हिम्मत सिंह के पेशेंस की यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी। मीन्स आप 19 साल से एक ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो जिसको आपने नहीं देखा है, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, ना उसका ठिकाना पता, वो किधर रहता है, कैसा दिखता है, आपको कुछ नहीं पता, बट फिर भी आप उसके पीछे भाग रहे हो। ऐसे भी मूवमेंट आते हैं जहाँ पे जो उसकी स्पेशल टास्क की टीम होती है उनके पास मौका होता है टेररिस्ट को पकड़ने का, बट हिम्मत सिंह उनको मना करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनकी टीम के सारे मेंबर है वो सभी के सब सेफ रहे। आप खुद सोचिए कि 19 साल से जो बंदा जिस चीज के लिए वर्क कर रहा है, फिर भी उसको जब मौका मिलता है तो फिर भी वहां पे रुकता है, तो कितना पेशेंस वहां पे इस सीरीज के अंदर जो हिम्मत सिंह के अंदर दिखाया गया है। साथ ही साथ यहां पे जो स्पेशल टास्क की जो टीम है उन्होंने सबने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। काफी सारे आपको नए फेसेस देखने को मिलेंगे, मीन्स आपने टीवी में ऑलरेडी देखे होंगे या मूवीज में देखे होंगे शॉर्ट रोल्स में, बट सभी ने जो है बहुत ही लाजवाब काम करा। जिसका जितना भी रोल था उसने बहुत उसको अच्छे से और बखूबी से निभाया है। इस वेब सीरीज से हमको एक मैसेज और देखने को भी मिलता है कि जो यहाँ पे स्पेशल टास्क की जो हमारी जो रॉ एजेंट्स वगैरह की टीम होती है जो हमारी, उनकी भी अपनी लाइफ होती है, उनकी भी अपनी फैमिली होती है, बट जब बात देश की आती है तो उनको केवल देश ही देखना पड़ता है, उनको सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, चाहे उनकी कोई भी फैमिली हो, उनको सबका सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि इन द एंड उनके लिए देश ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों, वीडियो में सिर्फ अभी के लिए इतना ही। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना। अगर आपने ये वेब सीरीज देखी है तो कमेंट में जरूर बताना कि कैसी लगी है। अगर आपको कोई क्वेरी है इस वेब सीरीज को लेकर तो वो भी आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ जल्दी अगले अपने वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, विल सी यू सीन इन माय नेक्स्ट वीडियो।